मैंने अब तक जितनी भी कोरियन मूवीज देखी हैं तो वो काफी ज्यादा बढ़िया रही हैं। उनकी कहानी मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई है। तो एक ऐसी धारणा मेरे अंदर बन गई थी कि यार कोरियन जो मूवीज होती हैं वो काफी ज्यादा बढ़िया होती हैं, स्टोरी वाइज बढ़िया होती हैं, और रियल लाइफ के अगर ऊपर बनी होती हैं मूवी तो वो भी काफी ज्यादा अच्छी होती हैं। तो इस करके मैंने एक कंक्रीट यूटोपिया करके एक साउथ कोरियन मूवी है उसको देखा। तो यहाँ पर जब मैंने इस मूवी को देखा है तो एक तरीके से जो मेरी धारणा बनी हुई थी उसकी वाट लग गई। खैर वो कैसे लगी बात करेंगे। देखो कंक्रीट यूटोपिया जो मूवी है वो 2 घंटे के आसपास है। सबसे पहले अगर हम इस मूवी की स्टोरी की बात करें तो इसके अंदर हमें देखने को मिलता है कि साउथ कोरिया में भूकंप आ जाता है। एक पर्टिकुलर जगह एक शहर के अंदर दिखाया गया वहां पर भूकंप आ जाता है। मुझे नहीं पता वो पूरे देश में आता है या पूरी दुनिया के अंदर आता है, लेकिन ये एक पर्टिकुलर जगह पे ही दिखाया गया है, उसके बाहर इन्होंने कुछ भी नहीं दिखाया। तो जहां पर ये भूकंप आता है वहां पर सिर्फ और सिर्फ एक बिल्डिंग बच जाती है जो सही सलामत खड़ी है, और जहां जिन लोगों के घर भूकंप में तबाह हो गए, जो लोग भूकंप में मरने से बच गए, जैसे जैसे उन लोगों को पता चलता है कि यहाँ एक ऐसी बिल्डिंग है जहां पर लोग रह रहे हैं, तो धीरे धीरे लोग जो है उस बिल्डिंग की तरफ चलना स्टार्ट कर देते हैं ताकि वहां पर जो है वो लोग रहकर आराम से अपनी बची खुची लाइफ को सही से जी पाए, या फिर जब तक सरकार कोई एक्शन ना ले, जब तक कोई रेस्क्यू टीम ना जाए, तब तक शायद उस बिल्डिंग में रहकर अपने आप को वो सर्वाइव करवा सके। अब जैसे जैसे लोग उस बिल्डिंग की तरफ बढ़ते हैं तो एक कंफ्लिक्ट स्टार्ट हो जाता है जो बिल्डिंग में रहने वाले लोग हैं और जो आउटसाइडर जो लोग हैं उनके बीच में एक ग्रुप बन जाता है कि भाई साहब तुम हमारे यहाँ पर रहने आ गए, हमारे लिए यहाँ पर ऑब्वियसली ठंड ज्यादा पड़ रही है तो रहने के लिए जगह कम है, और यहाँ पर खाने के लिए खाना नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है। तो अपने आप को बचाने के लिए लोग कैसे एक दूसरे के कत्लेआम करना स्टार्ट कर जाते हैं, तो ये सब चीजें हमें इस मूवी में देखने को मिलने वाली है। और अब अगर हम बात करें कि मूवी के अंदर क्या अच्छा है, तो जब इसकी स्टार्टिंग होती है मूवी की वो हमें काफी बढ़िया लगती है, क्योंकि एक तरीके से हमें एक नई चीज जानने को मिल रही है कि यार अब भूकंप आ गया है, लोग अपने आप को कैसे बचाएंगे, कैसे जिंदा रहेंगे, कैसे चीजें आगे बढ़ेंगी। तो ये सब चीजें स्टार्टिंग में तो काफी बढ़िया लगती है, और फिर धीरे धीरे लोग कैसे हिंसक हो रहे हैं, कैसे अपने आप को बचाने के लिए मानवता की हर हद को पार कर रहे हैं, और कैसे लोगों का व्यवहार चेंज हो रहा है, उनकी नैतिकता कैसे चेंज हो रही है, लोगों का एक मानवता के प्रति भाई साहब वो हर हद को पार करते जा रहे हैं। तो वो सब चीजें हमें देखने में काफी ज्यादा एक इंटरेस्टिंग लगती है। एक पता चलता है कि लोगों का व्यवहार एक ऐसे टाइम के अंदर कैसे हमारे सामने निकल कर आता है, वो एक जो मेकर्स हैं उनका पॉइंट ऑफ व्यू हमें देखने को मिल रहा है, जो काफी अच्छी चीज है। और जो ग्रुप 2 बने थे, एक बिल्डिंग का ग्रुप बना था, एक आउटसाइडर लोगों का ग्रुप बना था, अब जो बिल्डिंग का ग्रुप था उनके अंदर भी और ग्रुप बनने स्टार्ट हो जाते हैं, लोगों के अंदर भेदभाव बनने होने स्टार्ट हो जाते हैं कि भाई खाना किसको ज्यादा मिलेगा, जो लोग ज्यादा मेहनत कर रहे हैं या जो कम जो मेहनत करते हैं या जो बूढ़े लोग हैं उनको कितना खाना दिया जाए। तो एक भेदभाव वहां पे स्टार्ट हो जाता है, भाई जो ताकतवर लोग हैं उसकी ज्यादा प्रशंसा होनी, वही चापलूसी होना, वो सब चीजें हमें देखने को मिलती है, जो इस मूवी को और ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाता है। सिनेमेटोग्राफी मूवी की काफी ज्यादा बढ़िया है। इसके अलावा मूवी की जो एंडिंग है वो हमने सोची भी नहीं होती, उस तरीके की एंडिंग होती है जो काफी ज्यादा सरप्राइज करती है, काफी बढ़िया भी होती है, एक इमोशनल एंडिंग हम कह सकते हैं इसको। तो ये हो गई मूवी की अच्छी अच्छी बातें। अब इस मूवी में क्या कमियां अगर उसके बारे में बात करें, तो देखो इस मूवी में बहुत सारी चीजें हमें माननी पड़ती हैं कि हाँ ठीक है सब ऐसे हो गया होगा, मान लो सरकार फेल हो गई, पूरी दुनिया के अंदर भूकंप आ गया, बाकी इसमें दिखाया नहीं जाता है, जो एक काफी ज्यादा एक ड्रॉबैक मैं कहूंगा। काफी सारे मूवी के अंदर लूप होल्स भी हैं, मुझे लगता है कि उनके ऊपर फोकस किया जाना चाहिए था। और मूवी के अंदर जिस तरीके का अर्थक्वेक देखने को मिल रहा है वो अर्थक्वेक ना लगकर एक सुनामी लग रहा है, क्योंकि जिस तरीके की लहर जो आती है अर्थक्वेक की वो सुनामी से कम प्रतीत तो नहीं होती, तो वहां पर एक चीज मुझे कमी लगी। इसके अलावा मूवी में आपने जो भी कैरेक्टर्स दिखाए उनको और ज्यादा डीप दिखाने की जरूरत थी, मानवता की आप हद को पार करते हुए दिखा रहे हो, तो वहां पर उसको भी और ज्यादा फोकस करने की जरूरत थी। तो मुझे लगता है ये इस मूवी की कमियां हैं। हालांकि मूवी को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए इसके अंदर ट्विस्ट भी डाले गए हैं, कुछ सरप्राइज भी डाले गए हैं, लेकिन वो इतने ज्यादा प्रभावशाली मुझे तो नहीं लगे। खैर मेरी तरफ से तो देखो इस मूवी को देना चाहूंगा मैं 5 out of 10। हां मूवी की हिंदी डबिंग मुझे सही लगी, बाकी अगर आप लोगों ने मूवी देखी है तो प्लीज कमेंट करना कि आप लोगों को मूवी कैसी लगी। अगर नहीं देखी तो जाकर एक तरीके से आप एक अलग सी स्टोरी देखना चाह रहे हैं तो डेफिनेटली आपको ये मूवी अच्छी लग सकती है। आप प्यार मोहब्बत से थोड़ी सी अलग हटके चीज है, वो एक डिफरेंट व्यू आपको देखने को मिलेगा, वो एक अच्छी चीज है। तो बस आज के लिए इतना ही था इस वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।